Hey guys, good morning. Welcome you all in my videos. I would like to talk about Untouchable by Mulk Raj Anand and myself Manoj. So before I talk about Untouchable, this is a novel written by Mulk Raj Anand. I would like to get you introduced with Mulk Raj Anand. So Mulk Raj Anand was born in 1905 and 2004 he got expired. Well, as already written in your screen that he was an Indian writer. एंड जो कि इंडियन राइटर थे इंग्लिश में लिखते थे और उनका जो नोटेबल मतलब इनको मशहूर मतलब इसकी नोटेबल पर्सन के रूप में जाना जाता है कि ये जो डिपिक्ट करते हैं डिपिक्ट का मतलब था दिखाना. देखिए आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू वर्ड्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंड आई वुड लेट यू नो मीनिंग ऑफ द फ्यू वर्ड्स सो प्लीज टेक द पेंसिल एंड पेपर विद यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपिक्शन. देखिए डिपिक्ट का मतलब होता है दिखाना दर्शाना. तो ये अपनी जो नॉवेल्स होते थे अपनी जो वर्क होते थे उसके अंदर ये पुअरर कास्ट जो इंडियन ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है उसके अंदर जो पुअर जो कास्ट है ठीक है जिसको हम जैसे आउटकास्ट भी बोल सकते हैं उनके साथ जिस प्रकार का क्रिटिकल बिहेवियर और जो ट्रीटमेंट दिया जाता था उसके बारे में अपनी नॉवेल्स में ये डिपिक्ट करते थे. और लेट मी टेल यू इनकी नॉवेल्स में रियली यू फील दैट मुल्क राज आनंद गेट इन टू द यू नो ओशियन ऑफ द थॉट एंड गेट आउट विद ए वेरी ग्रेट न्यू आइडिया. सो रियली आई लव्ड इट. एंड सो सेकेंड पॉइंट वन ऑफ द पायनियर ऑफ इंडो एंग्लिकन फिक्शन. देखिए इंडो एंग्लिकन फिक्शन के अंदर इनका जो नाम है ठीक है काफी बड़े मतलब लाइक यू नो वेल नोन पर्सन के नाम में जाना जाता है और इंडो एंग्लिकन जो फिक्शन है उसका इसे पायनियर भी माना जाता है. जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन जो राइटर हैं साउथ साइड से हो गया बॉम्बे साइड से हो गया तो जैसे कि आर के नारायणन ठीक है आर के नारायणन का नाम भी बड़ा ही मशहूर है. और आर के नारायणन का नाम मैं आपको बताता हूँ जैसे मालगुडी डेज ठीक है अहमद अली मैं हाईलाइट कर देता हूँ इनको अहमद अली आर के नारायणन याद रखा जाए प्लीज राजा राव ये दो तीन नाम ऐसे हैं और मुल्क राज आनंद ये दो तीन नाम ऐसे हैं जिनका नाम इंडो एंग्लिकन जो फिक्शन है उसके अंदर बड़ा ही सबसे पहले लिया जाता है और इनका कहीं ना कहीं जो रोल है पायनियर इनकी शुरुआत करने का ठीक है इंडिया में कहीं ना कहीं इन प्रकार की फिक्शन की शुरुआत करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है. और देखिए एक बात और आपको याद रखनी है ये दो तीन राइटर ऐसे थे जो कि मतलब 19th सेंचुरी के अंदर जिनका जो जिनको जो अथॉरिटी और जो जो लाइक यू नो सम्मान है रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल लेवल पर मिली और उनकी जो बुक्स होती थी वो इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ी जाती थी. जैसे कि ये देखो ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल रीडरशिप. इंटरनेशनल रीडरशिप का मतलब ये हुआ कि उनकी जो बुक्स है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो रीडर होते थे वो उनको रीड करते थे. आनंद इज एडमायर्ड फॉर द हिज नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी. एडमायर्ड किया जाता था आनंद को स्पेशली फॉर द नॉवल्स एंड द शॉर्ट स्टोरीज विच हैव एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर. देखिए इनको जो स्टेटस मिला था मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक क्लासिक्स के रूप में इनको एक स्टेटस मिला था एक पहचान मिली थी. क्लासिक्स का मतलब होता है शानदार मतलब कुछ भी समथिंग वेरी ग्रेट एंड बियॉन्ड द इमेजिनेशन एंड बियॉन्ड द लाइक यू नो या बियॉन्ड द लाइक थॉट एंड थिंकिंग एंड इमेजिनेशन. तो समथिंग वेरी क्लासिक लाइक यू नो फैबुलस कोई भी ऐसा जो नॉवल है जिसके अंदर ये मतलब उस क्लासिक हो बहुत शानदार हो तो इस प्रकार के स्टेटस से इनकी नॉवल्स को नवाजा जाता था. ही बिकेम नॉन फॉर हिज प्रोटेस्ट नॉवल. देखिए एज आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट कि मुल्क राज आनंद जो है उनकी जो नॉवल्स होते हैं उनके जो फिक्शंस होते हैं उनके अंदर अनटचेबिलिटी जो जिस प्रकार के इश्यूज होते हैं उस समय वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी वहां पर अनटचेबिलिटी एंड छुआ लाइक यू नो अनटचेबिलिटी हो गया या फिर चाइल्ड मैरिज हो गया या फिर इन इंडियन सोसाइटी बिफोर द इंडिपेंडेंस देयर वर सो मेनी काइंड ऑफ यू नो कस्टम एंड ट्रेडिशन और लाइक यू नो सुपरस्टिशंस वर प्रिवेंट. सो सच काइंड ऑफ राइटर्स दे पीपल यू नो केम फॉरवर्ड टू टेक द हैंडल ऑफ द लाइक यू नो हैंडल टू सप्रेस सच काइंड ऑफ इविल्स इन द सोसाइटी. अब इविल्स कैसे थे जैसे सपोज कीजिए अनटचेबिलिटी है अनटचेबिलिटी को कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं
ठीक है। एंड इनका जो रोल था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने कुछ अमेंडमेंट, अपने कुछ एक्ट पास किए और कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी को सप्रेस करने का लाइक यू नो दे ट्राइड एंड दे एंडेवर। तो सिमिलरली जो मुल्कराज आनंद है, ये भी एक राइटर के रूप में अपनी बुक्स में इस प्रकार के इश्यूज को डिस्कस करते थे। जनरली यू नो इंडियन सोसाइटी पीपल अवॉइड सच काइंड ऑफ इश्यूज, ठीक है। अगर आप टचेबिलिटी की बात करते हैं, अगर आप कास्टिज्म की बात करते हैं इंडिया में, तो ऑब्वियसली लाइक यू नो नोबडी लाइक्स टू टॉक अबाउट कास्टिज्म एंड टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी और सच काइंड ऑफ थिंग्स। बट ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मुल्कराज आनंद के जो नॉवल्स होते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, नंबर वन अनटचेबिलिटी, नंबर टू कास्टिज्म, डोरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एंड जो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़े होते हैं वो किस कारण से होते हैं, डोरी सिस्टम के ऊपर बहुत कुछ लिखते थे, एंड डोमिनेंस या मेल डोमिनेंस ओवर द फीमेल, तो इसके बारे में उन्होंने काफी कुछ लाइक डिपिक्शन किया अपनी नॉवल्स में। एंड सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट जैसे कि सपोज कीजिए चाइल्ड मैरिज के ऊपर उन्होंने काफी हाईलाइट किया इस चीज को। और देखिए, करना ना करना इट्स टोटली डिपेंड ऑन द थॉट ऑफ द पीपल, बट स्टिल कि मुल्कराज आनंद ने जो बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में जिस प्रकार की थॉट्स को डिपिक्ट किया है, जिस प्रकार की चीजों को रिवील किया है अपनी नॉवल्स में, रियली इट्स आउटस्टैंडिंग। जहां पर एंड नोबडी डिड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इवन सच काइंड ऑफ टॉपिक वेयर मुल्कराज आनंद कम फॉरवर्ड टू रिटन, ठीक है, कम फॉरवर्ड टू राइट सच काइंड ऑफ हॉट टॉपिक, जहां पर लाइक यू नो वेरी सेंसिटिव टॉपिक। अगर आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट कि क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जो जिन प्रकार की चीजों से अगर कोई लड़ता है, प्रोटेस्ट करता है। तो दिस वॉज द हिस्ट्री। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। देखिए, ही इज ऑल्सो नोटेड फॉर बींग अमंग द फर्स्ट राइटर। देखिए, याद रखिए मेरी बात को, लिख लीजिए, मुल्कराज आनंद जो थे ना, वो ऐसे पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने पंजाबी और हिंदुस्तानी इडियम्स को इंग्लिश के अंदर ऐड करके मिलाकर बनाया, इंग्लिश में लिखा, ठीक है। मुल्कराज आनंद वाज द फर्स्ट राइटर टू ऐड पंजाबी एंड हिंदुस्तानी इडियम्स इनटू इंग्लिश। अगर इनकी आपके माइंड में एक क्वेश्चन मस्ट बी यू नो लाइक यू नो जस्ट मूविंग इन योर माइंड दैट वेयर ही वॉज बॉर्न, वेल एक्चुअली ये पाकिस्तान में जन्मे थे और वहां से इनको जो पंजाबी कल्चर है, पंजाबी जो लैंग्वेज की नॉलेज मिली, तो ज्यादा नहीं समझना आपने मुल्कराज आनंद में, क्योंकि वी नीड टू हैव ए अटेंशन ओवर द अनटचेबल जो कि हमारी नॉवल है। और एक बात याद रखना है, पद्म भूषण के से ही वॉज अवॉर्डेड, ठीक है, इनको अवॉर्ड किया गया था पद्म भूषण से। तो गाइज, without wasting time, let us talk about Untouchable. देखिए, Untouchable जो है ना, बड़ी ही प्यारी मतलब नॉवल है, और मैंने इसको पूरा कोशिश किया है कि एक एक लाइन को जितना इम्पॉर्टेंट है, सॉरी टेक्स्ट को मैंने डिस्कस नहीं किया, बट टेक्स्ट को इतने ही पॉइंट्स को डिस्कस किया जितना इम्पॉर्टेंट है। तो राइट साइड यू कैन सी योर दैट जो ये पर्सन आपको नजर आ रहा है, ये एक अनटचेबल है, जो कि एक भंगी बोल सकते हैं, जिसको हम स्वीपर बोल सकते हैं, और इसका नाम जो होता है वो होता है बाखा। तो राइटर्स के नाम मैं आपको बताऊंगा, बट लेट मी टेल यू, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नॉवल है ये। तो बात करते हैं अनटचेबल। अनटचेबल जो नॉवल है, इट वॉज रिटन इन 1935 में इट वॉज रिटन, एंड द नॉवल स्टैब्लिश्ड आनंद एज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इंग्लिश ऑथर। I was talking about that a few minute back also, that Mulkraj Anand talked about and raised such kind of issues where often common people did not like to talk about over, but he wrote it and he just exaggerate, he just reveals, he just depicted such kind of issues in the society so that people can read and they can aware about it, that yes, untouchability is a kind of a evil and it must be vanished from the society. तो इस प्रकार की देखिए अनटचेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आज एक लड़की को 20th एज के अंदर मैरिज कर दिया जाता है, या फिर जो मोमडिन जो कम्युनिटी है, मुस्लिम जो कम्युनिटी, वहां पर दो तीन मैरिजेज अलाउ थी कल तक, अब तो चलो चेंजेस हो गए लोग, मगर एक चीज देखिए कि कहां पर कहीं ना कहीं ये चीज, एक वुमेन जब देखती है कि उसकी सौतन आई है, या दो तीन एक लड़का दो तीन लड़कियों से शादी करता है, तो कहीं ना कहीं जो वुमेन राइट होते हैं उसका खनन उसका हनन तो होता है, उसको कहीं ना कहीं सप्रेस तो किया जाता है।
or being human, we are equal. There is no differences between male and being male and female. Okay, the right should be given on the basis of human being. ओके नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल द डिफरेंसिस एंड ऑल. तो ये उस समय तक पुराने टाइम तक ये कॉमन समझा जाता था. मगर अगर ह्यूमन को देखा जाए, अगर ह्यूमन वेल जैसे कि अगर एक ह्यूमैनिटी को देखा जाता है, तो वहां पर जो राइट मिलते हैं, जो जिस प्रकार की अथॉरिटीज दी जाती है, वो नो गिवन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो ये कहीं ना कहीं मतलब डिस्क्रिमिनेशन है बहुत बड़ा. तो अनटचेबल जो है, अनटचेबिलिटी भी काइंड ऑफ ए डिस्क्रिमिनेशन. तो ये तो भारतीय समाज का सबसे बड़ा इविल है. आज भी मैं समझता हूँ ये इविल है कहीं ना कहीं. आज भी अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, आई बिलोंग टू राजस्थान. सो ओवर देयर आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय मैटरनल हाउस, आई मीन माय नानी हाउस. ओवर देयर माय नानी यूज्ड टू से दैट यू नो कि मतलब पानी का गिलास अलग से रखना स्वीपर्स के लिए. और इसे तो ये देखिए, किसी को टच ना किया जाए, उसके जाति के आधार पे ना हो प्लीज, उसके सैनिटेशन के आधार पे. अगर कोई गंदे कपड़े पहने हुए है, कोई मतलब अच्छा कपड़े नहीं पहना हुआ है, गंदगी है, तो उसके आधार पर आप टचेबिलिटी या अनटचेबिलिटी को बनाते हो, तो कहीं ना कहीं सम एक्सटेंड इट इज लाइक यू नो एक्सेप्टेबल. बट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म कि भाई ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एंड इट शुड बी अवॉइडेड. तो नो वरीज, लेट अस कंटिन्यू. तो मुल्कराज आनंद के बारे में बात कर रहा था. तो देखिए, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मुल्कराज आनंद की जो नॉवेल्स थी उसके अंदर अनटचेबिलिटी, डोरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये जो इश्यूज हैं, जो समाज के अंदर नॉर्मल इश्यूज हैं, जिन पे कोई अक्सर नोबडी लाइक्स टू टॉक अबाउट इट. दैट टाइम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 21st सेंचुरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2020, आई एम टॉकिंग अबाउट द 19th एंड 20th सेंचुरी, वेयर पीपल डिड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट सच काइंड ऑफ डिबेटेबल टॉपिक, वेयर अगर कोई टचेबिलिटी के बारे में बात भी करता है, किसी का टच भी हो तो वहां पर झगड़े हो जाते हैं. मैं आपको बताऊंगा इस नॉवल में आगे आने वाले सीन है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आनंद जो इस नॉवल ने आनंद को एक स्टैब्लिश्ड राइटर के रूप में, एक ऑथर के रूप में स्टैब्लिश कर दिया था इंडियन कल्चर के अंदर. तो अनटचेबिलिटी के बारे में मैंने एक थर्ड पॉइंट हाईलाइट किया, उसको ध्यान से सुनना और लिख लेना. अनटचेबल इज ए डे इन द लाइफ ऑफ ए यंग इंडियन स्वीपर नेम्ड बाखा. देखिए, अनटचेबल जो नॉवल है वो एक कैरेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट, जिसका नाम होता है बाखा. ठीक है, बाखा, उसके सुबह से लेकर, याद रखना, सुबह से लेकर इवनिंग तक, रात तक जितनी भी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होता है, उन सब को इस पर्टिकुलर नॉवल में डाला गया है. मतलब कि मुल्कराज आनंद इज टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटीज वेयर बाका हैव बीन इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ थ्रू आउट द डे, ओनली वन डे, एक दिन के अंदर. याद रखना, एक दिन की स्टोरी को बताया गया. समझ में आया? लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट. द बुक वॉज इंस्पायर्ड. यस, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमेशा ऐसा होता है कि नॉवल्स हो गया, ड्रामा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ड्रामा तो पुराने टाइम की चीजें हैं, आजकल कोई ड्रामा जल्दी से लिखता नहीं है, नॉवल्स में काफी ज्यादा लोग आगे हैं. तो नॉवल कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, कहीं ना कहीं से उनको मोटिवेशन मिलता है लिखने को. तो मुल्कराज आनंद को जो इस पर्टिकुलर अनटचेबल नॉवल को लिखने के लिए जो इंस्पिरेशन मिला था, जो इंस्पायर्ड हुए थे, वो उनकी आंटी से हुए थे. उनकी आंटी को इस प्रकार का एक्सपीरियंस हुआ था कि एक बार क्या हुआ, शी हैड ए मील विद ए मुस्लिम वुमेन एंड वॉज ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट. एक बार मुस्लिम वुमेन के यहां पर उसको खाना खाने के लिए मतलब एक्सपीरियंस होता है, वहां पर इनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो आउटकास्ट के रूप में होता है बाय हर फैमिली, उसकी फैमिली के द्वारा. तो इस प्रकार की चीज जब मुल्कराज आनंद को एक्सपीरियंस अपनी आंटी के द्वारा सुनने को मिलता है, तो ही गॉट इंस्पायर्ड टू राइट इट डाउन अनटचेबल. तो गाइज, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस कंटिन्यू. प्लॉट के बारे में डिस्कस करते हैं. उससे पहले एक पॉइंट और देखिए, प्लॉट इन ऑफ दिस बुक डिपिक्टेड डे, या मैंने आपको बताया है कि एक दिन के बारे में बताया जाता है, एक दिन जो बाखा का जो दिन होता है वो किस प्रकार से गुजरता है. वो एक स्वीपर होता है 18 साल का, ठीक है, वो एक अनटचेबल होता है, एक स्वीपर होता है, मतलब एक भंगी होता है, एक जमादार होता है वो. और इसी प्रकार को बताया जाता है कि किस प्रकार वो लैटरिन्स को साफ करता है, क्लीनिंग करता है. तो यहां पर जो लैटरिन वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है.
अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर की. गाइज कैरेक्टर का नाम प्लीज याद रखें, दैट्स रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो आई वुड से वन थिंग दैट यू हैव टू कीप पेपर एंड पेंसिल विद यू सो दैट यू कैन कीप ऑल द कैरेक्टर्स नेम इन योर माइंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द वर्ड, रिमेंबर द नेम लखा. ठीक है, जो लखा होता है वो होता है स्वीपर्स का, मतलब झाड़ू निकालने वालों का जमादार. देखिए जमादार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. जितने भी स्वीपर्स होते हैं ना किसी भी पर्टिकुलर टाउन में या शहर में, उन सब का हेड जो होता है हेड, ठीक है, उस हेड को जमादार बोलते हैं. और जो लखा था वो था जमादार. ठीक है, और लखा जो था वो था बाखाज फादर, मतलब बाखा जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है उसका फादर होता है. अब हम बात करते हैं लखा के कैरेक्टर के बारे में. जो लखा होता है वो एक लेजी पर्सन होता है, ठीक है, आलसी इंसान होता है, और एक गाली गलौज करने वाला इंसान होता है, एक अब्यूसिव इंसान होता है, जो कि अपने बच्चों की एडवांटेज लेता है. एडवांटेज कैसे, देखो जो इसके अंदर बाखा की उम्र 18 साल के आसपास बताई गई है. अब क्या होता है कि वैसे देखा जाए लखा जो होता है उसको मतलब दिन के अंदर उसे स्वीपिंग के लिए झाड़ू के लिए जाना चाहिए, बट वो खुद नहीं जाता और बीमारी का बहाना देकर अपने बच्चों को भेज देता है. तो इस प्रकार से इसी कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है दैट लखा इज ए लेजी पर्सन, अब्यूसिव पर्सन एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन. तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे जैसे ही नॉवल हमारा आगे बढ़ेगा. देखते हैं अगला कैरेक्टर बाखा. तो अगला कैरेक्टर है हमारा बाखा. तो बाखा जो होता है वो लखा का बेटा होता है और जिसकी उम्र बताई गई है ही इज एन 18 ईयर्स ओल्ड इंडियन यूथ. बाखा इज ए स्वीपर एंड द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ अनटचेबल, स्ट्रांग एंड एबल बॉडीड. देखिए बाखा के बारे में बताया गया है कि वो 18 साल का लड़का है और एक वो स्वीपर है और वो इस कहानी का, इस पर्टिकुलर फिक्शन का प्रोटैगोनिस्ट है. एंड उसी के फिजिकल और मेंटल लेवल को बताया गया कि वो मेंटली और फिजिकली काफी स्ट्रांग भी है और एबल बॉडीड होता है, मतलब हुष्ट पुष्ट होता है. राखा जो होता है वो बाखा का सबसे छोटा भाई होता है, यंगर ब्रदर होता है, एंड जिसके बारे में बताया गया ट्रू चाइल्ड ऑफ द आउटकास्ट कॉलोनी. उस कॉलोनी के अंदर एक अच्छा ट्रू चाइल्ड का मतलब यहां पर ये हुआ कि एक सच्चा और मतलब एक शरीफ और भोला भाला इंसान. अब एक सिस्टर होती है उनकी, मतलब लखा के तीन बच्चे होते हैं बाखा, राखा एंड सोहिनी. सोहिनी जो होती है वो यंगर सिस्टर होती है बाखा की, और इसको डिस्क्राइब किया गया, देखो ध्यान से सुना और जो मैं वर्ड बोलता हूं उस प्रकार की छवि अपने माइंड में क्रिएट कर लेना, ठीक है. न्यूबाइल बताया गया उस लड़की को. न्यूबाइल का मतलब होता है कि ऐसी लड़की जिसको फिजिकली जो जिसको देखकर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन होता है जिसके अंदर, फिजिकल अट्रैक्शन होता है उसकी, जो फिजिक्स होता है उसका इस प्रकार से अट्रैक्टिव होता है और ब्यूटीफुल होता है. तो इस प्रकार की मतलब जो कैरेक्टर को बताया गया उसकी जो अपीयरेंस है सोहिनी की उसको बताया गया. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये जानना, ये अपीयरेंस, वेल नॉवल के अंदर इनका भी एक बड़ा रोल होगा जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. दूसरा सोहिनी के साइकोलॉजिकल लेवल को बताया गया कि वो एक पेशेंट रखने वाली लड़की है और रेजिलियंट है. वो रेजिलियंट का मतलब वो होता है एक ऐसा इंसान जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल कर उसके बाद जैसे ही वो कठिन परिस्थिति उसके जीवन से चली जाती है तो वो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, ठीक है, जल्द से जल्द उसका सामना करता है और उसे उभरने की भी वो कोशिश करता है. तो इस प्रकार के कैरेक्टर को रेजिलियंट बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज को. आगे हम बात करते हैं अब एक नए कैरेक्टर की. देखिए जिस एरिया में वो रहते हैं, ठीक है, उस एरिया के अंदर एक हवलदार चरत, ठीक है, चरत सिंह होता है, याद रखना हवलदार चरत सिंह, जो बाखा जो होता है बाखा चरत सिंह को अपना एक प्रकार का आइडियल और हीरो के रूप में मानता है. अब उसके बारे में मैं बताता हूं. देखिए चरत सिंह जो होता है वो एक हॉकी प्लेयर है. उसकी पर्सनैलिटी जो होती है वो जोक्यूलर टाइप में होती है, मतलब हंसी मजाक करने वाली होती है. और उसके बारे में ये भी बताया गया है कि उसकी पर्सनैलिटी जो होती है उसका जो मूड होता है वो चेंजेबल होता है. मतलब देखो वो कोई एक घटिया इंसान नहीं है, ठीक है, वो एक अच्छा इंसान है, मगर अच्छे इंसान को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है. तो इस प्रकार उसके जो मूड है उसको चेंजेबल बताया गया है. और एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल ही हेरनैंक्स, ठीक है, हेरनैंक्स का मतलब होता है कि देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि वो शुरुआत में बाखा के घर पर आता है और उसको मतलब बड़ी लंबी चौड़ी बातें सुनाता है बाखा को.
बाघा क्या होता है, वो सो रहा होता है एक मतलब अपने घर में, तो वो आता है उसको जगाता है, उसको मतलब लंबी चौड़ी बातें बोलता है कि तुम्हें मेरे घर मतलब आना है और वहां पर लैटरिन को साफ करना है, तुम अपनी ड्यूटी को भूल कैसे जाते हो। इस तरह से उसको मतलब काफी ज्यादा मतलब आर्ग्यूमेंट करता है वो बाखा के साथ। तो यहाँ इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ उसका जो कैरेक्टर है ना वो कहीं ना कहीं चेंजेबल है। मतलब शुरुआत में उसको एज ए अग्रेसिव पर्सन दिखाया गया है, मगर आगे चलकर उसका एक्चुअल कैरेक्टर अपियरेंस हमारे सामने आती है कि भाई वो तो बाका का एक हीरो है, एक आइडियल पर्सन है जो उसको मोटिवेट करता है। तो आगे चलते हैं छोटा। देखिए छोटा क्या होता है, छोटा जो होता है वो एक चमार कास्ट से है और वो बाका का दोस्त है, तो ये याद रखें जो लेदर का वर्क करते हैं। एंड छोटा इज वन ऑफ द बाकाज बेस्ट फ्रेंड, दो दे आर द आउटकास्ट क्लास। छोटा इज द हायर देन बाकाज इन द कास्ट सिस्टम्स हायरार्की। लाइक बाका ही इज ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद द इंग्लिश। अब द इंग्लिश मतलब एक पूरी कम्युनिटी को बता रहे हैं यहां पर। दूसरी बात, जो छोटा होता है उसकी जो मतलब देखो ये बताया गया है कि जो चमार कास्ट होती है वो मतलब जो जमादार मतलब भंगी से थोड़ा ऊपर की कास्ट होती है, तो इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर भी उसको अपर थोड़ा सा हायर क्लास बताया गया है एज कंपैरिजन बाखा। अब बात करते हैं रामचरण। रामचरण जो होता है वो धोबी धोबी कास्ट से है और वो भी बाखा का काफी अच्छा दोस्त है। अब उसकी एक मदर को याद रखिए इस कैरेक्टर में, इस नॉवल में, इस नॉवल में गुलाबो नाम की मदर होती है, किसकी, रामचरण की, और इसका भी एक रोल होता है। गुलाबो के बारे में ये बताया गया, शी हैज ए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसके मन में ना कहीं अपने आप का मतलब चमारों से या फिर जो मेरा मतलब जो भंगी होते हैं या जो जमादार उनसे बेटर होने का, ठीक है, उनसे बेटर होने का, सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट इस नॉवल को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा अजीब जो इवन इवन माई सेल्फ आई डो नॉट बिलीव इन द कास्टिज्म एंड द टचेबिलिटीज एंड ऑल, आई रियली हेट्स दिट, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस नॉवल एंड द कैरेक्टर वी हैव टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ द कास्टिज्म एंड ऑल। तो कास्टिज्म में बताया गया, धोबी कास्ट को बताया गया है, वो उसके मन में रामचरण की मदर गुलाबों के मन में कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि भाई मैं इनसे ऊपर हूं, ठीक है। उसके बाद आता है पंडित कालीनाथ। पंडित कालीनाथ का भी बहुत बड़ा रोल होता है जो कि बुल्ला शाह। याद रखना ये पूरी की पूरी जो घटना है बाखा, ठीक है, अनटचेबल जो ये पूरा का पूरा नॉवल है, ये एक टाउन होता है जिसका नाम था बुल्ला शाह, ठीक है, वहां पर बेस्ड है ये और ये एक शायद फिक्शनल टाउन है, तो ये याद रखना। अब बात करते हैं उस फिक्शनल टाउन बुल्ला शाह के अंदर एक मंदिर होता है, उस मंदिर का जो प्रिस्ट है, जो पुजारी है, उसको पंडित कालीनाथ बोलते हैं। इसका भी बहुत बड़ा रोल है, थोड़ा घटिया किस्म का इंसान है, ये याद रखना। अब बात करते हैं कर्नल हचिनसन, ठीक है। कर्नल हचिनसन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, बुल्ला शाह जो है ना वो एक आर्मी कैंट है वो, ठीक है, कैंट समझते हो ना आप, एक ऐसा आर्मी जहां पर कैंप होता है जहां पर आर्मी का, तो ये एक आर्मी कैंट है जहां पर जो कर्नल हचिनसन रहते हैं अपनी बीवी के साथ जिनका नाम होता है मैरी हचिनसन। तो मैरी हचिनसन के बारे में मैं एक चीज बताता हूं, वैसे जो कर्नल हचिनसन है, मिस्टर हचिनसन है, वो चीफ ऑफ द आर्मी होते हैं, इसके साथ साथ वो क्रिश्चियनिटी के मिशनरी होते हैं, मतलब कि क्रिश्चियनिटी को भारत में फैलाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। अब क्या होता है मैरी हचिनसन इनका इस प्रकार के प्रचार प्रसार करने का मजाक उड़ाती है, स्पेशली फॉर इंडियंस। वो इंडियन को ना ब्लैकीज कहकर पुकारती है, कौन, मैरी हचिनसन, याद रखा जाए, एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैरी हचिनसन इंडियन को देखकर उनको बोलती है ब्लैकीज। और देखिए क्या लिखा हुआ है 11th पॉइंट में, मैरी इज द कर्नल्स इरिलीजियस वाइफ। वो एक ऐसी वाइफ होती है जो कि अधार्मिक होती है, जिसमें धर्म के कोई विश्वास नहीं होता, और मिजरेबल अबाउट देयर लाइफ इन इंडिया, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को बुरा मानती है, गलत मानती है, अपने आप को दयनीय मानती है कि भी उसकी जो जीवन है भारत में बड़ा ही घटिया है। शी कॉन्स्टेंटली डिमेन्स एंड डिसपेरेजेस। तो वो क्या करती है, लगातार वो मतलब कि अपने हस्बैंड के जो वर्क होते हैं, जो इंडियन पीपल
जो होते हैं उन मतलब इंडिया के अंदर जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी का, इस प्रकार के काम को वो नीचा दिखाती है और उसका रिडिकुल करती है, उसको डिस्पेरेज करती है, उसको हंसी उड़ाती है और इंडियंस को वो ब्लैकीज कहकर पुकारती है। तो गाइज प्लीज याद रखें इस पॉइंट को, तभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो गाइज लेट अस गेट रेडी, वी आर सपोज टू टॉक अबाउट प्लॉट समरी। तो प्लॉट के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो गाइज लेट अस बिगन। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले एक चीज याद रखें, सेट इन द नॉर्थ इंडियन कंटेनमेंट। देखिए कंटेनमेंट का मतलब होता है कैंट, कंटेनमेंट का मतलब होता है एक प्रकार की छावनी, और छावनी किसकी होती है, सोल्जर्स की, आर्मी की, जो एक प्रकार की एरिया में ठहरते हैं और उनके एक कैंप होता है जिसको हम कंटेनमेंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं छावनी। तो ये इसका कंटेनमेंट होता है। ये होता कहाँ है, ये होता है बुल्ला शाह। अब बुल्ला शाह को शायद आई थिंक 100% गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता, मगर बुल्ला शाह जो है वो एक फिक्शनल टाउन है जहां पर कंटेनमेंट होता है आर्मी मैंस का, वहां पर इस पर्टिकुलर नॉवल अनटचेबल की सेटिंग को रखा गया। अनटचेबल इज अ डे इन द लाइफ ऑफ ए यंगर इंडियन स्वीपर नेम्ड बाखा। अनटचेबल जो है वो एक इंडियन स्वीपर होता है बाखा, उसकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है। एक दिन के दौरान जिस जिस प्रकार की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होता है, जो प्रॉब्लम्स उसको एक दिन में आती है, उन सबका ब्योरा, उन सबका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। द सन ऑफ लाखा, हेड ऑफ ऑल द बुल्ला शाह स्वीपर्स, बाखा इज इंटेलिजेंट बट नेव। देखिए जो बाखा होता है हमारा प्रोटैगोनिस्ट, वो लाखा का बेटा होता है, और जो लाखा होता है वो हेड ऑफ द बुल्ला शाह स्वीपर, वो बुल्ला शाह टाउन के अंदर जितने भी स्वीपर होते हैं उनका हेड होता है, और उस हेड को हम जमींदार बोलते हैं, जमादार बोलते हैं। बाका इज इंटेलिजेंट बट नेव, बाका जो होता है वो काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, बुद्धिजीवी इंसान होता है, मगर वो नेव होता है, NAIV, नेव मतलब सीधा साधा, भोला भाला और हम्बल, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक हल्का सा घमंड, एक वेन होता है। थ्रू आउट द डे वेरियस मेजर एंड माइनर ट्रेजेडीज ऑकर इन वन डे ऑफ बाकाज लाइफ। देखिए होता क्या, बाखा की लाइफ के अंदर कोई छोटी बड़ी कुछ ट्रेजेडीज होती हैं एक दिन के अंदर, उन ट्रेजेडीज का डिस्क्रिप्शन इस पर्टिकुलर नॉवल में मुल्कराज आनंद ने बताया है। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। बाखाज डे स्टार्ट्स विद हिज फादर्स लाखा येलिंग एट हिम टू गेट आउट ऑफ बेड एंड क्लीन द लैटरिन्स। देखिए होता क्या है, बाखा जो होता है वो अपने बिस्तर में सो रहा है, सुबह मॉर्निंग का टाइम है। अब क्या होता है, लाखा, मैंने आपको लाखा के बारे में बताया था, लाखा जो होता है वो एक आलसी लेजी किस्म का इंसान होता है, और वो अपने सारे काम को अपने बच्चों पर थोप देता है। अब क्या होता है, वो अपने बेटे को उठाता है और उस पर चिल्ला रहा होता है। यल का मतलब तो चिल्लाना निकले ना, YELL, यल का मतलब तो चिल्लाना, ठीक है, जैसे आपकी मदर आपको झाड़ू लेकर आप पे चिल्लाते हैं, तो इस प्रकार के चिल्लाने को यल बोलते हैं। लाखा जो होता है वो बाखा सो रहा है, उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है कि उठ जा, ठीक है, अपने बेड से उठ जा भाई, तुम्हें लैटरिन साफ करने के लिए जाना है। द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन इज स्ट्रेन। देखिए इस नॉवल के अंदर एक चीज ऑब्जर्व किया मैंने कि फादर और सन का जो रिलेशन है उसको तनावपूर्ण रिलेशन को बताया गया, इन द पार्ट ड्यू टू, और इन पार्ट का मतलब था कुछ हद तक ये जो रिलेशन जो तनावपूर्ण क्यों है, कुछ हद तक बाखा जो होता है उसके मन में द ब्रिटिश लोगों की जो पागलपन सवार होता है, वो कहीं ना कहीं चिड़ा होता है या कुछ ऐसा उसके मन में ऑब्सेशन होता है, उस वजह से है। दूसरा इन पार्ट बिकॉज ऑफ बाखाज लेजीनेस, और यहां पर एक गलती मैं आपको बताता हूं, इन पार्ट बिकॉज ऑफ बाखाज लेजीनेस। वेट, तो यहां पर दो रीजंस बताए गए हैं कि भाई लाखा और बाखा, ठीक है, फादर और सन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो तनावपूर्वक क्यों है। नंबर वन, इन पार्ट ड्यू टू बाकाज ऑब्सेशन विद द ब्रिटिश। नंबर वन, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि ब्रिटिश लोगों के बारे में जो बाखा है उसके मन में कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन होता है, एक मन में कहीं ना कहीं उनके पागलपन सा होता है और एक नफरत समझो, इस प्रकार के ऑब्सेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है वो तनावपूर्वक है। दूसरा, बाखा जो होता है वो अपने काम में कहीं ना कहीं लेजी है, तो ये दो रीजंस बताए गए हैं इनके रिलेशंस के खराब होने के। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं।
देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, बाका इग्नोर्स हिज फादर बट इवेंचुअली गेट्स अप। अब देखिए बाका क्या होता है, शुरुआत में तो अपने फादर लाखा को इग्नोर कर देता है और सोया रहता है, बट अंत में वो उठ जाता है। क्योंकि होता क्या है वहां पर, देखिए क्या होता है, टू आंसर द डिमांड्स ऑफ ए हाई कास्ट मैन दैट वांट्स टू यूज द बाथरूम। अब क्या होता है कि हाई कास्ट मैन, हाई कास्ट का एक आदमी वहां पर आ जाता है, उसका नाम होता है चरत, ठीक है, चरत सिंह, जो हॉकी प्लेयर मैंने आपको बताया था, चैंपियन, वो आता है यहां पर और वो देखता है कि बाका सोया हुआ है, तो वो भी उस पर चिल्लाता है और कहता है कि भाई मैं अपना लेटरिंग, मुझे बाथरूम मुझे यूज करना है और वहां पर उसको साफ करने आ जाओ, आज तुम कामचोर कैसे बने पड़े हो और सोए हुए हो। तो इस प्रकार वो आवाज सुनते ही वो फटाफट उसको आंसर देता है और बाका जाग जाता है। एट फर्स्ट सिंह ऑल्सो येल्स एट बाकास फॉर नेग्लेक्टिंग हिज क्लीनिंग ड्यूटीज। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, शुरुआत में क्या होता है, जब हाई कास्ट का जो मैन है चरत सिंह, वो आता है और वो बाका पर चिल्लाता है इस प्रकार कि शुरुआत में उसकी अपीयरेंस, उसकी पर्सनैलिटी ऐसे लगती है कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा डल और थोड़ा सा इरिटेटिंग कैरेक्टर है, बट ऐसा नहीं है। तो ये देखिए जो चेंज है चरत सिंह के अंदर कैरेक्टर में, कि शुरुआत में वो आता है बाका के ऊपर चिल्लाता है क्योंकि उसने अपनी क्लीनिंग ड्यूटीज को नेग्लेक्ट किया। द मैन हैज ए चेंजेबल पर्सनैलिटी, हाउएवर ही सेज बाका टू कम टू सी हिम लेटर इन द डे। फिर वो बाका से बोलता है कि भाई तू एक काम करना, ये काम कर जा, उसके बाद दिन में आना, मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दूंगा, ठीक है। द यंग स्वीपर विद ए प्राइज्ड हॉकी स्टिक, मतलब कि एक न्यू ब्रांड हॉकी स्टिक मैं तुम्हें गिफ्ट में दूंगा। तो अब क्या होता है, बाका जब इस बात को सुनता है ना, वो ओवरजॉय हो जाता है, मतलब बड़ा खुशी से फूला नहीं समाता और वो फटाफट उसका काम करने चला जाता है। होता तो वो 18 ईयर्स का बच्चा ही होता है, तो इस चीजों से वो प्रभावित होता है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, ही क्विकली फिनिशेज हिज मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी झाड़ू के काम होते हैं, जितने भी लेटरिन वगैरह साफ करने के काम होते हैं, बाका जाता है फटाफट अपने काम की मॉर्निंग शिफ्ट को फिनिश कर देता है और फटाफट हरीज होम और घर की तरफ भागता है। डाइंग ऑफ थ्रस्ट, और उस समय जब वो घर की तरफ भागता है और बड़ा ही प्यासा होता है। अनफॉर्चुनेटली देर इज नो वाटर इन द हाउस, और अभाग्य से वहां पर कोई भी पानी नहीं होता घर में। हिज सिस्टर सोहनी ऑफर्स टू गो फिल द वाटर बकेट। सोहनी बोलती है भाई को, बाका को, कि भाई मैं एक काम करती हूँ, कुएं पे जाती हूँ और अपनी बकेट को भर लाती हूँ। एट द वेल, कुएं के पास सोहनी क्या देखती है कि उसको एक लंबी सी लाइन लगी हुई है और वहां पर उसको वेट करना पड़ता है, और वो लंबी लाइन होती है आउटकास्ट ऑल्सो क्लीड अप। वहां पर सेवरल अदर आउटकास्ट, मतलब अलग अलग जातियों के लोग होते हैं और वो भी लंबी लाइन में। ऑल्सो वेटिंग फॉर वाटर इज गुलाबो। गुलाबो मैंने आपको बताया था, ठीक है, रामचरण की जो उसका, देखिए यहां पर जो बाका होता है उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है रामचरण। देखिए रामचरण होता है, उसकी माँ का नाम होता है गुलाबो। अब होता क्या है, गुलाबो एक बड़ी ही जेलस करने वाली लड़की औरत होती है और वो बाका की मतलब फ्रेंडशिप को भी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं मानती। अब क्या होता है, शी हेट्स सोहनी एंड इज जस्ट बेयरली स्टॉप्ड फ्रॉम स्ट्राइकिंग द यंग वुमेन। वो क्या करती है, सोहनी से काफी चिड़ी हुई होती है और वो उसको धक्का मारती है और उसको पानी भरने से रोक देती है। तो इस प्रकार कहानी आगे चलती है। ऑल्सो वेटिंग फॉर द गुलाबो इज मदर या डन एंड ए प्रिस्ट फ्रॉम द टाउन टेम्पल नेम्ड पंडित कालीनाथ। अब क्या होता है, पंडित कालीनाथ वहां पर आता है, कम्स अलोन एंड हेल्प सोहनी गेट वाटर, और सोहनी के पानी निकालने में उसकी हेल्प करता है। अब देखिए पंडित कालीनाथ के मन में भी कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया था सोनी जो होती है उसका जो फिजिकल जो फिजिक होता है वो इस टाइप से होता है कि उसको देखकर अट्रैक्शन होता है, मतलब उसकी फिजिक में अट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार कालीनाथ जो पंडित होता है वो भी कहीं ना कहीं फिजिकली अट्रैक्ट होता है सोनी की तरफ और उसे बोलता है कि ही इंस्ट्रक्ट्स हर, वो उसको इंस्ट्रक्ट करता है, उसको निर्देश देता है कि भाई तुम एक काम करना, मैंने पानी तो निकाल दिया तेरा, तुम एक काम करना मंदिर में आना दिन में और यहां पर झाड़ू वाड़ू निकाल कर जाना। तो क्या होता है, सोनी एग्रीज, सोनी मान जाती है और हरीज होम विद द वाटर, और वो फटाफट घर की तरफ जाती है विद पानी के साथ। बैक एट होम लाका फेक्स एंड इलनेस। अब क्या होता है, घर पे जाने के बाद सिचुएशन क्या होती है, लाका जो होता है वो अपनी बीमारी का नाटक करता है, ठीक है, फेक्स एंड इलनेस, बीमारी का नाटक करते हुए वो लेटा रहता है और वो इंस्ट्रक्ट करता है बाका को कि भाई एक काम करो कि क्लीन द टाउन स्क्वेयर, मतलब कि गली जो शहर का जो चौराहा है
वहां पर जाओ और उसकी सफाई करो, एंड द टेम्पल कंट्री यार्ड इन हिज इंस्टेड। मतलब कि इसकी बजाय कंट्री टेम्पल कंट्री यार्ड में भी जाओ, वहां की सफाई करो और टाउन स्क्वायर की भी सफाई करो। अब होता क्या है, देखिए बाका का जो काम है वो मॉर्निंग शिफ्ट तक होता है, ठीक है, बट जो मिडल मतलब दिन का जो काम होता है वो लाखा का होता है, मगर वो उसकी बजाय अपने बेटे को भेज देता है। बाका इज वाइज टू द विली वेज ऑफ हिज फादर। बाका जो होता है वो इतना समझदार होता है कि वो अपने कपटी फादर के तरीकों को, बहाना बनाने के तरीकों को जानता है, बट वो प्रोटेस्ट उसका विरोध नहीं करता। और ही टेक्स अप हिज क्लीनिंग सप्लाईज। अब वो क्या करता है, क्लीनिंग सप्लाईज जैसे झाड़ू बकेट हो गया, ये जितने भी सामान होते हैं क्लीनिंग साफ सफाई के जितने भी सामान होते हैं उसे उठाता है एंड गोज इन टू द टाउन, और वो टाउन में चला जाता है, इन टू टाउन। हिज स्वीपिंग ड्यूटीज यूजली कीप हिम टू बिजी टू गो इन टू टाउन। अब क्या होता है कि जो उसकी स्वीपिंग ड्यूटी होती है वो अक्सर उसको इतना बिजी रखती है कि वो टाउन में जाने को नहीं मिलता, और उसे मतलब क्या होता है टाउन में, वो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, देखिए, सो ही टेक्स एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। अब क्या होता है, आज वो टाउन में आ गया और इस चीज की वो एडवांटेज लेता है, और वो कुछ सिगरेट्स और कैंडी खरीदता है। अब वो वहां पर सिगरेट्स भी पीता है और कैंडी भी खाता है। अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है। तो मैंने आपको बताया था बाका की जो एक दिन की लाइफ है उसको बताया गया है इस नॉवल में मुल्कराज आनंद ने। एज बाका ईट्स हिज कैंडीज, जैसे ही गली में क्या होता है कि बाका झाड़ू निकालता निकालता अपनी कैंडी खाने में बिजी हो जाता है। ए हाई कास्ट मैन ब्रशेज अप अगेंस्ट हिम। अब वो क्या करता है, एक हाई कास्ट का इंसान अपने घर से बाहर निकलता है और ब्रश करने के बहाने वो मतलब ब्रश करता है, और उसको नजर नहीं आता कि पीछे जो मतलब स्वीपर भंगी खड़ा है बाका, तो वो क्या करता है, ब्रशेज अप अगेंस्ट हिम, तो वो ब्रश कर रहा होता है मतलब उसकी पीठ करके। द टच्ड मैन डिड नॉट सी बाका। अब क्या होता है, वो आदमी बाका के टच हो जाता है और वो उसको देखता नहीं, बिकॉज द स्वीपर फॉरगॉट टू गिव द अनटचेबल कॉल। अब क्या होता है कि अक्सर ये देखो, ये मेरे लिए भी नया है कि अनटचेबल कॉल क्या होती है, बट एज पर एज माय इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न, आई थिंक अनटचेबल ऐसी कॉल होती है जैसे सपोज कीजिए कि मतलब किसी को ये बताने के लिए समाज में पुराने टाइम में किसी को ये बताने के लिए भाई कि कोई भी मुझसे टच ना करे क्योंकि मैं भंगी हूं, तो वो बोल देते हैं ऐसे कि भाई भंगी है हूं मैं यहां पर, तो इसलिए आप मुझे वो टच मत करना, या इस टाइप से कुछ ना कुछ एक कॉल होती है, एक आवाज होती है वो देते हैं, बट यहां पर वो उसने नहीं दी बाका ने, और गलती से ये हाई क्लास आदमी उसको टच कर जाता है। द मैन इज फ्यूरियस। अब क्या होता है, वो आदमी काफी गुस्सा हो जाता है। ही इज एलिंग अट्रैक्ट्स ए लार्ज क्राउड दैट जॉइंस इन ऑन बाकाज पब्लिक शेमिंग। अब क्या होता है, पब्लिक में उसको पूरी तरह से शर्मसार कर दिया जाता है, और जो हाई क्लास जो पर्सन होता है वो क्या करते हैं, अपनी गुस्से वाली आवाज से और चिल्लाहट से ना काफी ज्यादा क्राउड को इकट्ठा कर लेते हैं। अब क्या होता है, इस प्रकार की क्राउड इकट्ठी होती है, वहां से एक मुस्लिम एक वेंडर होता है, वहां से वो अपनी हॉर्स घोड़ा गाड़ी में वो वहां से गुजर रहा है सामने से, और वो क्या करता है, वो देखता है, तो वो एक्चुअल में होता क्या है कि मुस्लिम जो समाज है उसमें कास्टिज्म टचेबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो वहां पर भीड़ को डिस्पर्स करता है, मतलब वहां से भीड़ को भगा देता है। और बिफोर द टच्ड मैन लीव्स द स्लैप्स बाका अक्रॉस द फेस फॉर हिज शेमलेसनेस। अब क्या होता है कि जब जैसे ही वो जो हाई क्लास जो पर्सन होता है वो वहां से मतलब ये सारा मामला खत्म होने से पहले क्या होता है, वो जो हाई क्लास पर्सन होता है वो बाका के गाल पर जोरदार चांटा लगाता है, और उसकी बेशर्मी पर कि तुम इतने बेशर्म कैसे हो, तुमने मुझे टच कर दिया। ए शॉक्ड बाका क्राइज इन द स्ट्रीट्स। अब बाका को काफी ज्यादा सदमा लगता है और वो अपना गाल पकड़कर रोने लग जाता है सड़क पर, स्ट्रीट पे, गली में, बिफोर गैदरिंग एंड हरिंग ऑफ टू द टेम्पल। उन गैदरिंग के सामने रोने लग जाता है और फिर वो रोता रोता टेम्पल की तरफ भागना शुरू कर देता है और चलना शुरू कर देता है। दिस टाइम ही डजंट फॉरगेट द अनटचेबल कॉल। अब मंदिर के पास आने के बाद वो अनटचेबल जो कॉल होती है, जो आवाज होती है, जो पुकार होती है, उसको भूलता नहीं है, और वो जोर से शायद ऐसा कुछ बोलता है। तो गाइज इसको समझना है, मेरे लिए भी नया है, मैंने सर्च किया था बट ऐसा कुछ मिला नहीं इसमें। एट द टेम्पल। सो बाका अब अनटचेबल जो कॉल होती है उसको बोलना, उसको देना भूलता नहीं है,
अब वो क्या होता है मंदिर की तरफ हरिंग ऑफ टू द टेम्पल, वो मंदिर की तरफ पहुंच जाते हैं। अब मंदिर का सीन शुरू होता है। देखिए मंदिर के सीन में क्या होता है, एट द टेम्पल ए सर्विस इज इन फुल स्विंग। जो सर्विस होती है, जो सेवा भाव होता है, जो मंदिर में जो पूजा पाठ होता है, वो अपने पूरे जोरों शोरों पे चल रही थी। इट इंट्रिक्स बाका, इंट्रिक्स का मतलब ये हुआ यहां पर, देखो इंट्रिक के मतलब दो होते हैं, एक तो होता है किसी के खिलाफ षड्यंत्र को रचना, ठीक है, दूसरा मतलब यहां पर है कि देखो मतलब उसके मन में एक जिज्ञासा, उसके मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, ठीक है, हु इवेंचुअली मस्टर्स अप द करेज टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स टू द टेम्पल डोर। अब क्या होता है वो कहीं ना कहीं मस्टर करता है, मस्टर का मतलब था इकट्ठा करना, किसको, करेज को, करेज मतलब हिम्मत, हिम्मत को जुटाता है वो कैसे ना कैसे करके कि सीढ़ियों मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़कर वो दरवाजे की तरफ पहुंचता है एंड पियर्स इनसाइड और अंदर की तरफ झांकता है। ही इज ओनली स्टैंडिंग देयर फॉर ए फ्यू मोमेंट्स बिफोर ए लाउड कमोशन कम्स फ्रॉम बिहाइंड हिम। वो थोड़ी देर में वहां पर ठहरता ही है कि इतनी देर में क्या होता है कि वहां पर एक हल्ला गुल्ला, एक शोर शराबा उसके पीछे से आ रहा होता है, बहुत ज्यादा शोर। इट इज सोनी एंड पंडित कालीनाथ, ये सोनी और पंडित कालीनाथ थे जहां पर, हु इज अक्यूजिंग सोनी ऑफ पोल्यूटिंग हिम। अब क्या होता है पंडित कालीनाथ जो होता है वो अक्यूज करता है, आरोप लगाता है सोनी पर कि भाई तुम मुझे पूजा पाठ, तुम मुझे यहां झाड़ू लगाने आई थी यहां पर और मुझे पॉल्यूट कर दिया, तुमने मुझे दूषित कर दिया। एज ए क्राउड गैदर अराउंड, और जिस प्रकार भीड़ होती है वहां पर इकट्ठी हो जाती है। बाका पुल्स हिज सिस्टर अवे, बाका क्या होता है फटाफट अपनी सिस्टर को खींचता है अपनी तरफ, बाहर की तरफ। क्राइंग शी टेल्स हिम दैट द प्रिस्ट सेक्सुअली असोल्टेड हर, फिर क्या होता है वो रो रही होती है और रोते रोते वो बाका को बोलती है कि जो यहाँ का प्रिस्ट है, ये पुजारी है, मुझे सेक्सुअली असोल्ट किया, उसने मुझे छेड़ा और जबरदस्ती करने की कोशिश की। ए फ्यूरियस बाका ट्राइज टू गो बैक टू द टू कन्फ्रंट द प्रिस्ट। अब क्या होता है बाका को काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है, वो गुस्सा आता है उसको और वो फटाफट प्रिस्ट के सामने जाता है। बट एन एम्बेरस्ड एंड अशेम्ड सोनी फोर्सेज हिम टू लीव, बट शर्मसार और शर्म से भरी हुई सोनी जो होती है वो बाका को फोर्स करती है और वहां से जाने के लिए बोलती है। बाका सेंड्स हिज सिस्टर होम, बाका अपनी सिस्टर को घर भेज देता है, सेइंग ही विल टेक ओवर हर ड्यूटीज इन टाउन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब वो अपनी सिस्टर को बोलता है कि भाई तुम जाओ और तुम्हारी जो ड्यूटीज हैं वो मैं अब पूरी कर दूंगा गांव के अंदर, पूरे कस्बे के अंदर जो भी तुम्हारी ड्यूटी है, मतलब साफ सफाई, झाड़ू वगैरह लगाने की, मतलब जो सोहिनी की जो ड्यूटीज होती है वो मैं कर दूंगा, तुम घर जाओ। अब कहानी आगे बढ़ती है। देखिए अब जो बाका होता है उसका मूड काफी ज्यादा मतलब डिस्ट्रॉट हो जाता है, काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो पूरी तरह से मूड उसका क्रैक हो जाता है, क्योंकि पहले तो उसने एक मतलब पर्सन ने उसको चांटा लगाया, उसके बाद दूसरा उसकी सिस्टर के साथ गलत हुआ। अब आगे देखिए एट पॉइंट में क्या था, डिस्ट्रॉट ओवर द डेज इवेंट, मतलब कि एक दिन के दौरान जितने भी घटनाएं होती हैं उस घटनाओं से परेशान और उत्तेजित, एग्जॉस्टेड बाका और एग्जॉस्टेड और पूरी तरह से थका हारा, जो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड बाका क्या होता है यहां वहां घूमने लग जाता है बिफोर गोइंग टू ए सेट ऑफ होम्स टू बेग फॉर हिज फैमिलीज डेली ब्रेड, मतलब कि यहां वहां घूमने लग जाता है। फिर क्या होता है उसके बाद वो अलग अलग घरों में जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है, रोटी मांगना शुरू कर देता है। नो होम इज ऑफरिंग हिम फूड, कोई भी घर उसे खाना नहीं देता, सो ही फील्स एग्जॉस्टेड एंड फॉल्स असलीम, वो काफी ज्यादा थक जाता है और वो नींद में सो जाता है। उसी वक्त क्या होता है जब वो सो रहा होता है, साधु ऑल्सो बैगिंग फॉर फूड कम्स एंड अवेक्स हिम अप, एक साधु आता है जो फूड, जो भीख मांग रहा होता है और वो उसको उठाता है, उठो भाई क्या क्यों सो रहे हो ऐसे बीच में। तो द ओनर ऑफ द हाउस कम्स आउट विद फूड फॉर द साधु, अब जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, वो बाहर आता है और देखता है कि एक औरत बाहर आती है, वो देखती है कि साधु भी मतलब मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं उनको भिक्षा देने के लिए। सिंग बाका, वो बाका को भी देखती है, बाका स्क्रीम्स एट हिम एंड फर्स्ट रिफ्यूजेज टू गिव हिम फूड। फिर क्या होता है जो मालकिन होती है वो उसको देख कर स्क्रीम करती है, चिल्लाती है और उसको खाना देना से मना कर देती है। शी फाइनली एग्रीज टू गिव हिम सम ब्रेड इन एक्सचेंज फॉर हिम स्वीपिंग द एरिया इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। अब क्या होता है फाइनली वो एग्री करती है कि भाई चलो ठीक है मैं तुम्हें
खाने के बदले मैं खाना दे दूंगी, बट उसके बदले तुम्हें यहाँ मेरे आंगन में और यहाँ सारे जगह साफ सफाई करनी पड़ेगी और लेटरिन वगैरह साफ करने पड़ेंगे। वो बाका एक्सेप्ट कर लेता है। वो क्या करता है, स्वीप, वो झाड़ू निकालना शुरू करता है। द वुमेन टेल्स हिम टेल्स हर यंग सन टू रिलीव हिमसेल्फ इन द गटर वेयर बाका इज क्लीनिंग सो ही कैन स्वीप दैट अप टू। अब क्या होता है कि वुमेन जो होती है अपने बेटे को बोलती है, बेटा जाओ और वहां टॉयलेट के अंदर तुम रिलीव हो जाओ। रिलीव का मतलब होता है शौच कराओ। और हिमसेल्फ इन द गटर, वहां जो गटर होती है, वो जो नाली होती है, वहां पर शौच कराओ। वेयर बाका इज क्लीनिंग सो ही कैन स्वीप दैट अप टू, मतलब कि जहां पर बाका साफ कर रहा था नाली और ये सब, तो वहां पर उसकी मदर बोलती है, ठीक है, ओनर जो होता है, मालकिन होती है, उसकी मदर बोलती है अपने बेटे को, बेटा वहां जाओ और वहां पर जाके तुम गटर में रिलीव हो जाओ, पेशाब कर लो या जो भी लेटरिन वगैरह करना है वहां करो आप। और अब क्या होता है, ताकि बाका उस चीज को साफ कर दे। ए डिसअपॉइंटेड बाका। अब बाका तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। बाका देखिए, बाका और लाखा, लाखा फादर होते हैं, लाखा ने अपनी अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, बट जो बाका होता है उसने अपनी अनटचेबिलिटी को स्वीकार नहीं किया, विच इज नॉट हैज बीन एक्सेप्टेड येट। सो दैट्स वाई ही गॉट डिसअपॉइंटेड मैनी टाइम द इवेंट्स विच ऑकर्ड थ्रू आउट द डे। सो ए डिसअपॉइंटेड बाका थ्रोज डाउन द ब्रूम। अब वो क्या होता है, काफी ज्यादा निराश हो जाता है और निराशा में उसने अपनी ब्रूम, मतलब कि झाड़ू को फेंक देता है। एंड लीव्स फॉर हीज हाउस इन द आउटकास्ट कॉलोनी, और अपनी मतलब आउटकास्ट कॉलोनी के लिए वो घर के लिए निकल जाता है। अब 9th पॉइंट में देखिए क्या होता है। बैक एट होम, अब घर में जब वापस आता है, इट इज ओनली लाखा एंड सोहनी। वहां पर घर पे लाखा होते हैं और सोहनी होते हैं। राखा बाखाज यंगर ब्रदर इज स्टिल आउट कलेक्टिंग फूड, और जो राखा होता है वो अभी भी घरों घरों में भीख मांग रहा होता है, ठीक है, वो अभी तक घर नहीं आया, बट लाखा और सोनी घर आ चुके हैं। बाका टेल्स हिज फादर दैट ए हाई कास्ट मैन स्लैप्ड हिम इन द स्ट्रीट, मतलब उस बाखा जो होता है वो लाखा से बोलते हैं कि भाई एक हाई कास्ट का आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा। सेंसिंग हिज सन्स एंगर, अपने बच्चे की गुस्से को भावते हुए देखते हुए लाखा जो होता है वो एक स्टोरी बताता है, बड़े ही दयालु सब, मतलब दयालु एक स्टोरी बताता है, और उसमें बताता है कि हाई कास्ट का एक डॉक्टर था भाई, वो बड़ा ही दयालु था और उसने तुम्हारी जान बचाई थी। इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं हाई कास्ट सोसाइटी होती है उसकी तरफ जो बाका के मन में जो द्वेष भाव होता है उसको कम करने की कोशिश करता है। मतलब इस पर्टिकुलर लाइन से एक चीज समझ में आती है कि जो लाखा है उसने लाइक एक्सेप्टेड द चैलेंजेस एंड अनटचेबिलिटी एंड द कास्टिज्म इन द सोसाइटी, बट बाका इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू अवॉइड और स्ट्रगलिंग फॉर दैट। अब क्या होता है, बाका इज डीपली मूव्ड बाय द स्टोरी बट रिमेन्स अपसेट। बाका के मन में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है उस डॉक्टर, दयालु डॉक्टर के बारे में जो अपर कास्ट से था, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं मन में जो अपसेटनेस होती है, उसके मन में जो एक खालीपन होता है, मन में एक जो दुख होता है वो अभी भी रहता है उसके मन में। सून आफ्टर स्टोरी टाइम, अब स्टोरी टाइम मतलब स्टोरी सुनाने के कुछ समय बाद क्या होता है, राखा कम्स बैक विद फूड। राखा जो होता है खाने के साथ घर पर आते हैं। एक्सट्रीमली हंग्री बाका, बहुत ज्यादा भूखा होता है बाका, और स्टार्ट्स टू ईट, बट देन ही इज डिसअपॉइंटेड बाय द आइडिया ऑफ ईटिंग द लेफ्ट ओवर ऑफ द हाई कास्ट पीपल। अब फटाफट क्या होता है कि वो राखा घर पे आता है, उसका खाना देखता है, तो बाका जो होता है एक्सट्रीमली हंग्री, वो फटाफट खाना लेता है और खाना खाना शुरू कर देता है। इसी बीच खाना खाते वक्त वाइल्ड ईटिंग ही गॉट टू नो अबाउट इट के दैट ये जो खाना है वो लेफ्ट ओवर है, मतलब हाई कास्ट पीपल जो है उन्होंने छोड़ा हुआ बचा हुआ खाना है उनका। तो इस भावना से वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। ही सेज ही इज गोइंग टू द वेडिंग ऑफ हिज फ्रेंड राम चरण सिस्टर। वो अपने मेंबर्स जो फादर होता है, सिस्टर होता है, ब्रदर, उनको बोलता है कि चलो मैं नहीं खाता खाना और मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूं। अब रामचरण जो होता है वो चमार कास्ट से होता है, याद रखना, मैं उसकी शादी में, उसकी सिस्टर की शादी है तो मैं वहां जा रहा हूं। अब देखिए क्या होता है, एट रामचरण हाउस बाका सीज हिज अदर फ्रेंड। अब रामचरण के घर में बाका जो होता है अपने दोस्तों को देखता है, जहाँ वहां पर छोटा होता है, एक छोटा मैंने आपको बताया था धोबिन, जो धोबिन कास्ट से होता है वो भी वहां पर होता है, और रामचरण को वो दोनों मिलकर देखते हैं। रामचरण इवेंचुअली सीज हिज फ्रेंड एंड रन्स ऑफ विद देम डिस्पाइट हिज मदर प्रोटेस्टेशंस। अब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर शादी वाले माहौल में बाखा
सबसे पहले छोटा को देखता है। छोटा और बाका अपने दोस्त को देखने लग जाते हैं। अब वहां पर रामचरण जो होता है वो उन दोनों को देखता है। देखने के बाद फटाफट वो वहां से भाग पड़ता है और उनसे मिलने के लिए। हालांकि उसकी मदर जो होती है उसका विरोध करती है। अलोन छोटा एंड रामचरण सेंसिंग समथिंग इज रॉन्ग विद देयर फ्रेंड। अब क्या होता है, छोटा जो होता है और रामचरण होता है वो कहीं ना कहीं महसूस करता है कि भाई हमारा जो बाका जो दोस्त है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है। दे कॉक्स बाका टू टेल देम व्हाट इज रॉन्ग। अब क्या होता है, वो मीठी मीठी बातों से उसको फुसलाते हैं और पूछते हैं, भाई बाका हुआ क्या है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या। बाका ब्रेक्स डाउन, बाका जो होता है वो फूट पड़ता है और टेल्स देम अबाउट द स्लैप एंड सोनीज असॉल्ट। अब वो दोनों किस्सों के बारे में बताता है। रामचरण इज क्वाइट एंड एम्बेरस्ड बाय बाका स्टेल बट छोटा इज एंग्री। अब रामचरण जो होता है वो काफी ज्यादा शांत हो जाता है और काफी ज्यादा शर्मसार भी हो जाता है बाका की इस कहानी को सुनकर, मगर जो छोटा होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ही आस्क बाका इफ ही वॉन्ट्स टू गेट रिवेंज। वो बाका से पूछता है कि तुम्हें बदला चाहिए, रिवेंज चाहिए तो मैं तैयार हूं। बाका डज बट रियलाइजेज रिवेंज वुड बी ए डेंजरस एंड फुटाइल एंडेवर। बाका जो होता है वो रियलाइज महसूस करता है कि भाई वो चाहता तो है रिवेंज लेना, बदला लेना, मगर ये जो बदला है ये कहीं ना कहीं एक बेकार प्रयास साबित होगा। क्यों? क्योंकि वो हाई क्लास सोसाइटी वाले लोग वापस उसको जवाब देंगे और इस प्रकार कहानी और खतरनाक हो जाएगी। ए मेलनकली एटमोस्फेयर फॉल्स ओवर द ग्रुप। अब वो क्या होता है कि शादी वाले माहौल से निकलकर आता है तो बाका छोटा अभी खुश हैं, अब छोटा और रामचरण अभी खुश होते हैं, तो अचानक बाका की स्टोरी सुनकर वहां पर एक दुख भरा, मेलनकली का मतलब होता है दुख भरा माहौल क्रिएट हो जाता है। छोटा अटेम्प्ट्स टू चीयर बाका बाय रिमाइंडिंग हिम ऑफ द हॉकी गेम। अब छोटा क्या होता है, वो कोशिश करता है कि चीयर अप करने की, मतलब खुश करने की, और वो हॉकी गेम के बारे में बाका को याद दिलाता है। फिर क्या होता है, दे विल पे लेटर इन द डे। दिस रिमाइंड्स बाका दैट ही मस्ट गो एंड गेट हिज गिफ्ट फ्रॉम चरत सिंह। तो इस प्रकार उसको याद आता है कि चरत सिंह ने मुझे बुलाया था दिन में आने के लिए और मुझे वो गिफ्ट देगा। बाका गोज टू चरत सिंह्स हाउस इन द बैरिक्स। वो बैरिक के अंदर जाता है, मतलब जो आर्मी कैनोटेशन मैंने बताया था, जो सैनिकों का जो होता है कैंट होता है, ठीक है, कैंट में जाता है वहां पर, और वहां पर देख रहे हैं कि चरत सिंह जो होता है वो बैठा है। मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, यहां भी एक आपको चीज समझनी है, ठीक है, अनटचेबिलिटी को समझना है। देखिए एक चीज और आपको समझनी है कि मैं टेक्स्ट वाइज टेक्स्ट इस पर्टिकुलर नॉवल को डिस्कस कर रहा हूं। होता क्या है कि अगर टेक्स्ट को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके मन में ना वो इंसिडेंट सेट हो जाएंगे कि हाँ, एक रामचरण छोटा कौन था, बाका एक पूरे दिन में किस किस प्रकार की जो इवेंट्स में से गोइंग थ्रू एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही गॉट। तो इन प्रकार की प्रॉब्लम से वो जब निकलता है तो उसके मन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस प्रकार से कहानी आगे चलती है। अब देखिए क्या होता है, बाका सेटल्स अंडर ए ट्री टू वेट, सॉरी बाका गोज टू चरत सिंह हाउस इन द बैरिक्स बट कैन नॉट टेल इफ द मैन इज होम। वहां पर जाता है मगर वो चरत सिंह को आवाज नहीं देता और ये नहीं बताता कि मैं आया हूं या नहीं आया हूं। क्यों? इसका रीजन मैं आप समझिए, इसका रीजन क्या है, रिलक्टेंट टू डिस्टर्ब हिम। रिलक्टेंट का मतलब है जिसके अंदर इच्छा ना हो, उसके मन में उन लोगों को डिस्टर्ब करने की इच्छा नहीं होती, ना तो चरत सिंह को और चरत सिंह के साथ जो इनहैबिटेंट्स होते हैं, मतलब जो और लोग बैठे होते हैं उनको डिस्टर्ब करने की इच्छा नहीं होती। तो बाका क्या करता है, उसके पास ही एक नजदीक एक पेड़ होता है, वहां पर जाकर बैठ जाता है और वेट करने लग जाता है। बिफोर लॉन्ग सिंह कम्स आउट। अब चरत सिंह थोड़े समय के बाद बाहर आता है और ही इन्वाइट्स बाका टू ड्रिंक टी विद हिम। अब वो बाका को इनवाइट करता है कि भी चाय पी लो। एक्चुअल में चरत सिंह जो होता है वो एक चेंजेबल कैरेक्टर होता है। शुरुआत में इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन ही केम टू बाका एंड स्टार्ट येलिंग ऑन हिम एंड आस्किंग फॉर दैट व्हाई यू फॉरगेटिंग द ड्यूटीज टू क्लीन अप द लैटरिंस एंड द बाथरूम्स एंड ऑल, बट कैरेक्टर इज रियली कैरेक्टर इज रियली वेरी जॉली कैरेक्टर एंड नॉट दैट मच एक्चुअली यू नो चरत सिंह डज नॉट बिलीव इन अनटचेबिलिटी, फ्रेंकली स्पीकिंग। इसका जो एग्जाम्पल भी मिलेगा आपको, देखिए ही इन्वाइट्स बाका टू ड्रिंक टी। देखिए पूरे थ्रू आउट द डे, ठीक है, वी डिड नॉट फाइंड एनी वन टू ऑफर हिम, आई मीन बाका, टू एनी थिंग टू ईट और टू ड्रिंक, बट सडनली वी फाइंड दैट चरत सिंह इज ऑफरिंग हिम ड्रिंक। तो चाय के लिए उसको ऑफर करता है और अलाउज द अनटचेबल टू हैंडल हिज आइटम,
और उस घर के अंदर जितने भी आइटम्स पड़े होते हैं इस अनटचेबल को अलाउ करता है, मतलब बाखा को अलाउ करता है कि तुम किसी भी चीज को टच कर सकते हो। डज ही इज ओवरजॉयड व्हेन सिंह गिव्स हिम ए ब्रांड न्यू हॉकी स्टिक। अब क्या होता है, इस प्रकार वो काफी ज्यादा खुशी महसूस करता है कि भाई चरत सिंह ने उसको एक नई हॉकी स्टिक दी है। अब देखिए इस हॉकी स्टिक के साथ क्या होता है, यहां पर भी अनटचेबिलिटी सामने आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, बाखा गोज इन द हॉकी गेम ऑन फायर। अब क्या होता है, बाका जो होता है ग्राउंड में चलता है और वहां पर हॉकी खेलना शुरू कर देता है और उसकी हॉकी की जो गेम होती है वो ऑन फायर होती है। राइट डाउन द वर्ड ऑन फायर। ऑन फायर एक ऐसा फ्रेजल वर्ब फ्रेज है जहां पर हम यूज करते हैं जब इंसान अपना बेस्ट कर रहा होता है, मतलब जब कोई महान काम कर रहा होता है और उसे रोका ना जा सके, मतलब इतना जबरदस्त काम कर रहा है उसे रोक नहीं पा रहे, मतलब जो अपोजिट टीम होती है हॉकी की वो उसको रोक नहीं पा रही है और वो पूरी मतलब आग लगा रहा है ग्राउंड पे। अब क्या होता है, ही स्कोर्स द फर्स्ट गोल, पहला गोल कर देता है कौन, बाखा। द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम इज एंग्री ओवर बाखाज सक्सेस एंड हिट्स हिम। अपोजिट जो गोलकीपर होता है अपोजिट टीम का वो गुस्सा आता है उसको और बाखा को पीटने लग जाता है। दिस स्टार्ट्स ए फाइट बिटवीन द टू टीम्स दैट एंड्स व्हेन ए प्लेयर्स यंगर ब्रदर गेट्स हर्ट। अब क्या होता है कि इन दोनों टीमों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है और अब इस सडनली क्या होता है कि यंगर लड़का होता है उसी टीम के अंदर बाखा की टीम में जिसको हर्ट मतलब चोट लग जाती है। अब बाखा क्या करता है, उसको उठाता है और उसको रशिज हिम होम, उसको उसकी मदर के यहां मतलब उसको अपने घर उसके घर पे ले जाता है। वहां पर क्या होता है, बॉयज की मदर आती है और उसी पे इल्जाम लगाती है कि भी तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को चोट लगी है, इसको मारा गया है। द गुड मूड डिस्ट्रॉयड बाखाज ट्रूड्स होम। अब क्या होता है अगेन, ठीक है, एक बार फिर बाका की जो ओवर जॉयड था बाय गेटिंग द हॉकी न्यू ब्रांड हॉकी, बट अब वो दोबारा उसका मूड डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो क्या कहते हैं, पैरों को थपथपाते हैं, ट्रूट्स का मतलब होता है थपथप करके चलना, ठीक है, रगड़ रगड़ कैसे सर सर करके चप्पलों को चलाते हुए वो घर की तरफ मुड़ता है। वेयर हिज फादर स्क्रीम्स एट हिम फॉर बीइंग गॉन। उसके बाद वहां पर उसके फादर मिलते हैं, उस पर चिल्लाने लगे थे कि पूरे दिन से कहां गायब था, तो बीइंग गॉन का मतलब था कि कहीं मिल ना पाना, गायब हो जाना। ही बैनिशेज बाखा फ्रॉम होम। अब क्या करता है, उसका फादर लाखा उसको घर से बाहर निकाल देता है, बैनिश कर देता है और सेइंग हिज सन मस्ट नेवर रिटर्न, और कहता है कि तुम मेरे घर पे वापस मत आना हरामी, ऐसे इस टाइप से बोलता है। बाका रन्स अवे, बाका जो होता है भाग जाता है, एंड टेक शेल्टर अंडर ए ट्री फार फ्रॉम होम। अब क्या होता है, वो घर से दूर चला जाता है, वहां पर एक ट्री के पास बैठ जाता है। द चीफ ऑफ द लोकल सल्वेशन आर्मी। अब एक आर्मी की जो एक लोकल आर्मी होता है उसका चीफ, ठीक है, जिसका नाम है कर्नल हचिनसन, एक ब्रिटिश नाम होता है हचिनसन आता है वहां पर, कम्स अप टू हिम, वो उसको आता है, उसके टेंशन को देखता है और उसको समझता है। ही सीज बाकाज डिस्ट्रेस एंड कन्विंसेस द स्वीपर टू फॉलो हिम टू द चर्च। अब क्या होता है, उसको कन्विंस करता है, उसको समझाता है कि भाई तुम रूठे क्यों, तुम ऐसे करो कि तुम्हारे हिंदुइज्म में तो बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी या कास्टिज्म है, वाई डोंट यू कम विद मी टू द चर्च, चलो चर्च चलते हैं। अब क्या होता है, ही फ्लैटर्ड बाय द वाइट मैन्स अटेंशन। अब बाखा जो होता है वो बुरी तरह से मतलब चोटिल होता है, चोटिल मतलब मेंटली वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है। अब वो हचिनसन की मीठी मीठी बातों में आ जाता है और उसके साथ चल पड़ता है। बाका एग्रीज, बट द कर्नल्स कॉन्स्टेंट हिम सिंगिंग क्विकली बोर्स हिम। बट क्या होता है, चलते चलते क्या होता है, जो कर्नल होता है उस वो गाना गा रहा होता है, भजन गा रहा होता है। हिम का मतलब कहता है HYMN, हिम मतलब भजन गाना। वो चर्च का जो मतलब सलमंस वगैरह भजन वगैरह गाना गाता है, तो उनके गाने सुन के बाका बड़ा बोर हो जाता है। बिफोर द टू कैन एंटर द चर्च द कर्नल्स वाइफ कम्स टू फाइंड हिम। अब क्या होता है, चर्च में घुसने से पहले जो कर्नल की जो वाइफ होती है वो बाहर आती है। कर्नल की वाइफ के मैंने बारे में आपको बताया था, वो क्या करती है, डिस्कस्टेड एट द साइट ऑफ हर हस्बैंड विद अनदर ब्लैक की। अब वो घृणा करती है और छी छी बोलती है, हट, मतलब किस गधे को ले आए तुम घर पे, किस ब्लैकी को, इंसान को तुम अपने साथ ले आए। शी बिगिन्स टू स्क्रीम एंड शाउट, वो चिल्लाना शुरू करती है और शोर शराबा करती है। बाका फील्स हर एंगर एक्यूटली एंड रन्स ऑफ अगेन। बाका जो होता है वो उसकी मिसेज हचिनसन की एंगर को, गुस्से को भाप जाता है और वहां से फटाफट भाग जाता है। इस प्रकार कहानी आगे चलती है। अब देखिए क्या होता है आगे, देखिए 14 पॉइंट में क्या होता है। दिस टाइम बाका रन्स टूवर्ड्स टाउन एंड एंड्स अप एट द ट्रेन स्टेशन। अब क्या होता है, बाका वहां से भागता है और भागते भागते वो
एक रेलवे स्टेशन के पास पहुंचता है, ही ओवर हियर्स। वो चुप कर, ओवर हियर का मतलब एक ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को सुनना, ठीक है, कान लगाकर सुनना। ही ओवर हियर्स सम पीपल डिस्कसिंग द अपियरेंस ऑफ महात्मा गांधी इन बुलाशा। तो वो सुनता है कि महात्मा गांधी यहाँ बुलाशा में आने वाले हैं। ही ज्वाइंस द टाइड ऑफ पीपल रशिंग टू हियर द महात्मा स्पीक। अब क्या होता है, बाका उन सबको ज्वाइन कर लेता है और उन सब लोगों के साथ चल पड़ता है वहां जहां पर महात्मा गांधी अपनी स्पीच देने वाले हैं। जस्ट एज बाका सेटल्स इन टू लिसन। अब क्या होता है, जैसे ही बाका जो होता है वहां सेटल हो जाता है उनको गांधी को सुनने के लिए, गांधी अराइव्स एंड बिगिंस हिज स्पीच। गांधी आते हैं और अपनी स्पीच को शुरू कर देते हैं। ही टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ द अनटचेबल एंड हाउ इट इज हिज लाइफ मिशन टू सी देम इमेंसिपेटेड। अब क्या होता है, वो सुनता है उनको बात करते हुए और यहां पर गांधी जी बात करते हैं कि अनटचेबिलिटी की जो दुर्दशा है उसके बारे में बात करते हैं और गांधी जी ये बोलते हैं कि ये मेरे जीवन का मिशन है कि भाई अनटचेबल को, अनटचेबिलिटी से छुटकारा पाते हुए उन लोगों को मैं देख पाऊं। ठीक है, इमेंसिपेटेड का मतलब होता है छुटकारा पाए हुए, ठीक है, और देखना मतलब सी। तो ही एंड्स अप हिज स्पीच बाय बीसीचिंग दोज प्रेजेंट। अब क्या होता है, महात्मा गांधी अपनी स्पीच को एंड करते हैं एक विनती करते हुए। बीसीचिंग का मतलब होता है विनती करना, प्रार्थना करना उन लोगों से जो वहां प्रेजेंट होते हैं कि भाई टू स्प्रेड, फैलाओ मेरे मैसेज को। ठीक है, अनटचेबिलिटी को खत्म करने का जो मैसेज है ना, सारी दुनिया में फैला दो। अब क्या होता है, आफ्टर महात्मा गांधी डिपार्ट्स, जैसे महात्मा गांधी वहां से चले जाते हैं, ए पेयर ऑफ एजुकेटेड इंडियन मैन हैव ए लाइवली डिस्कशन। वहां पर दो तीन पर्सन होते हैं, वो आपस में लाइव डिस्कशन करने लग जाते हैं अबाउट द कंटेंट ऑफ द स्पीच, स्पीच के कंटेंट के बारे में। वन मैन ए लॉयर नेम्ड बशीर साउंडली क्रिटिसाइजेज मोस्ट ऑफ गांधीज ओपिनियन एंड आइडियाज। एक लॉयर होता है जिसका नाम होता है बशीर, वो क्या होता है, अच्छे तरीके से गांधी जी के ओपिनियन और उनके आइडियाज को क्रिटिसाइज करता है। द अदर ए पोइट नेम्ड सरशर, वो डिफेंड करता है महात्मा पैशनेटली एंड कन्विंसिंगली। वो महात्मा गांधी के आइडियाज को डिफेंड करता है और कन्विंस करता है बशीर को, लॉयर को। मच ऑफ वट दे से गोज अबव बाकाज हेड। जितना कुछ भी वो बोलते हैं बाका के सर के ऊपर से चला जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बात करें। सो एलिवेटेड आर देयर वोकैबुलरी एंड आइडियाज, मतलब उनकी जो वोकैबुलरी होती है, जिस शब्दों को लेकर वो बात करें वो काफी ज्यादा एलिवेटेड होती है और आइडियाज भी काफी ऊंचे किस्म के होते हैं इस वजह से। हाउएवर ही डज अंडरस्टैंड व्हेन शर्शर मेंशंस द इमिनेंट अराइवल ऑफ द फ्लशिंग टॉयलेट इन इंडिया। अब यहां पर एक चीज मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, मतलब बाका उन दोनों की लोगों के से वो क्या मतलब एक बात सुनता है, तो इस चीज को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। द फ्लशिंग टॉयलेट इन इंडिया मेंशंस द इमिनेंट अराइवल मशीन इरेडिकेट द नीड्स ऑफ ह्यूमन हैंडल रिफ्यूज। इस बात को ना आपने शायद एग्जाम में भी लिख सकते हो, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। अब क्या होता है, बाका को उन दोनों कि जितनी भी डिस्कशन होती है वो सब उसके ऊपर से चली जाती है, बट एक चीज उसको अच्छे से समझ में आती है, वो है ही डज अंडरस्टैंड व्हेन शर्शर मेंशंस द इमिनेंट अराइवल। इमिनेंट का मतलब होता है कि मतलब वो जो चीज बहुत ज्यादा फेमस हो, पॉपुलर हो। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, अबाउट टू हैपन। देखो इमिनेंट का मतलब होता है कि जैसे कि जो चीज अभी मतलब आने वाली है, जो चीज अराइव होने वाली है, ठीक है, इमिनेंट अराइवल मतलब अभी हाल ही में अराइव होने वाली है, आने वाली है। मतलब होता क्या है कि उस समय बाका एक चीज सुनता है कि हमारे यहां पर इंग्लिश टॉयलेट आने वाले हैं जो फ्लश करने वाले होते हैं, ठीक है। उस इंग्लिश टॉयलेट के आने से क्या होगा कि जो लेटरिन होता है उसको फ्लश करने के लिए किसी स्वीपर की या किसी जमादार की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ बटन दबाओ और वो फ्लश हो जाएगा, उसमें ह्यूमन हैंडल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस मशीन कुड मीन द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। और कहीं ना कहीं ये जो मशीन है वो अनटचेबिलिटी को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट पॉइंट होगा। विद दिस पीस ऑफ होप, इस प्रकार की जो आशा मिलती है, किरण मिलती है, बाका हरीज होम टू शेयर न्यूज ऑफ महात्मा's स्पीच विद हिज फादर। और अब वो इस न्यूज को भाग कर जाता है खुशी से और अपने पापा को ये न्यूज सुनाने की कोशिश करता है। तो विद दैट दिस टॉपिक इज सपोज टू एंड आई वुड लाइक टू कम बैक विद अ न्यू टॉपिक
and with new topic, and I definitely make you ensure that I will discuss the important points over here. So thank you very much. I hope you have liked my description, and I tried my best to explain all the things. So till then, I will give you the next video. Till then, bye bye. Thank you very much. Good luck.